सो हे गाइस, इट्स वियर एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक क्राफ्ट। कॉस्मो क्राफ्ट, मैंने पिछली बार इसका नाम गलत ले लिया था। कॉस्मो क्राफ्ट ये कॉस्मिक क्राफ्ट नहीं है। एक इस सर्वर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। मैं एक बार बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आता हूँ इसके अंदर एंड इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है स्काई ब्लॉक वर्जन 2, स्काई ब्लॉक सीजन 2, ठीक है। एंड इन्होंने अभी एक और चीज़ ऐड कर दी है जो है हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक। लाइक कोई सेंस बनाती है ये चीज़? मुझे बताओ यार, एक सर्वर के अंदर तीन तीन स्काई ब्लॉक है, तीन तीन। कोई सेंस नहीं है भाई इस सर्वर में, कोई भी सेंस नहीं है कि एक सर्वर के अंदर तीन तीन स्काई ब्लॉक का कोई मतलब बनता है। मुझे सच्ची बताओ यार, कोई मतलब बनता है एक सर्वर के अंदर तीन तीन स्काई ब्लॉक का? अगर देखो, अगर इस बंदे को ये वाला स्काई ब्लॉक खेलना हो एंड एज वेल एज वो वाला भी खेलना हो, तो उसको दोनों जगह अलग अलग प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। तो वो काफ़ी स्टूपिड चीज़ लगी मुझे स्काई ब्लॉक की। तो मुझे यार बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ लगी है कि ये चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए थी कि दो दो स्काई ब्लॉक बना दिए। भले ही तुम ये करते कि एक ही स्काई ब्लॉक के अंदर वो सारे फीचर्स डाल देते जो तुमने अलग अलग स्काई ब्लॉक के अंदर ऐड किए, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा होता इससे, तो इस बकवास से तो ज़्यादा अच्छा होता कि तीन तीन चार चार स्काई ब्लॉक बनाते हैं। अब बंदों को चूज़ करने देते हैं कि वो कौन सा लेते हैं, ठीक है। तो ये सच्ची में बेकार काम था। एंड एक और चीज़ बता दूँ, एंड शाउट आउट गोज टू फैंसी पॉकेट 2.0 टू बाइंग आर मेंबरशिप। गाइस, हमारे मेंबरशिप बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और अगर आपको भी मेंबरशिप खरीदनी है तो गो एंड चेक इट आउट आर ज्वाइन बटन। वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं, एंड वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमने और कौन कौन से फीचर जो है इसके अंदर ऐड कर रखे हैं, जिससे आपको फ्री में कुछ भी ना मिले। लाइक आप जो है जिस चीज़ का पे कर रहे हैं वो चीज़ आपको एक्चुअल में देखने को मिले। तो गो एंड चेक इट आउट मेंबरशिप नाउ। एंड सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमारी मेंबरशिप भी खरीद सकते हैं। दोनों साइड से आप जैसे मर्जी सपोर्ट करना चाहिए वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम खेलने वाले हैं अपना यही स्काई ब्लॉक जो नॉर्मल सीजन 2 वाला है, क्योंकि हम जो है बाकियों में नहीं जाने वाले हैं। लाइक बेफालतू का काम है आप, ठीक है। तो इसी में रहते हैं एंड आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो गाइस अभी अगर आप मेरे अकाउंट में देखोगे तो मेरे पास फिलहाल 5,50,000 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हुए कैसे थे कि मैंने जब भी यूट्यूबर्स पैक खरीदा था ना, तो उसके अंदर ये वाली स्वॉर्ड निकलती थी। तो ऐसी मेरे पास दूसरी स्वॉर्ड भी थी, तो मैंने उसको ऑक्शन में लगा दिया 3 लाख रुपये का। हाँ, 3 लाख का लगा दिया था एंड वो सच्ची में बिक गया था। तो इसके चक्कर में मेरे को 5 लाख रुपये आए। मैंने कोई माइनिंग वगैरह नहीं किया, ठीक है, मैं पहले बता दूँ। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो ये देखो, यूट्यूबर्स पैक अभी अनलॉक नहीं हुआ है, जल्दी अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम लगा देंगे ऐसी सेम टू सेम चीज़, ठीक है। एंड इसके अंदर गाइस वो भी आ चुके हैं, क्या कहते हैं, जनरेटर्स और जनरेटर्स टाइप ऑफ चीज़ें। ओके, वो सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं। तो मैं जो है अभी वो तो नहीं खरीदूंगा, मैं अपने आइलैंड पे चलता हूँ। मैं आपको आइलैंड में थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने की थी। ओके, ये पेड़ देख सकते हो, मैंने ये ट्री बनाया था। ये बेसिकली ट्री तो लगता नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिससे हमारी अमीरी तो काफ़ी दिख जा रही है, ठीक है। लाइक इतने सारे गोल्ड ब्लॉक्स हैं तो अच्छी से अमीरी दिख रही है, ठीक है। एंड नीचे मैंने एमरल्ड को चेंज करके आयन लगा दिया, एंड यहाँ पे एक आयन ब्लॉक मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आयन लगा दिया, मुझे एमरल्ड थोड़े से अजीब लग रहे थे नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने मॉब स्पॉनर बना दिया, जिसके अंदर एक स्केलेटन का मॉब स्पॉनर ऐड किया फिलहाल के लिए। या आपको पता होगा पिछले एपिसोड में क्या हुआ था मेरे साथ इसके चक्कर में, ठीक है। तो अभी एक ऐड किया, बाकी और खरीदेंगे, टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि ऊपर मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि मैं जितने चाहे उतने ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे जो है 3 और लगा सकता हूँ, फिर इसके ऊपर भी और लगा सकता हूँ, जितने मेरी मर्जी हो, ठीक है। एंड ये देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे आते हैं, एंड मुझे इनको बस मारना होता है, एंड इनका जो भी सामान रहेगा मुझे वापस से जो है इधर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बस मुझे इतना सा करना है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। एंड ये आइलैंड के ऊपर जो है जनरेटर्स लगाऊंगा मैं अभी, जो मैं खरीदूंगा, क्योंकि जनरेटर थोड़े से महंगे हैं। एक है 6 लाख का और एक है 60 लाख का। लाइक दो जनरेटर्स ऐड किए हैं, जो है एक डायमंड और एमरल्ड का। एमरल्ड का 60 लाख का है और डायमंड का 6 लाख का है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ लगी कि 60 लाख से 6 लाख कैसे कर सकते हो भाई, तुम एकदम से इतना बढ़ा दिया तुमने, ठीक है। तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मनी फार्म। या मनी फार्म बनाने वाले हैं, या मनी फार्म के लिए देखो, यहाँ पे आप दो तरीके से मनी अर्न कर सकते हो। एक या जनरेटर्स वगैरह बना लो आप, या आप क्रॉप्स को उगा लो भाई। भर भर के अगर आप क्रॉप्स को उगा लेते हो, या आप उससे भी जो है काफ़ी हद तक जो है मनी को अर्न कर सकते हो, जो मैं बेसिकली करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं काफ़ी बड़ी जगह बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं मेलन्स को ग्रो करने वाला हूँ एंड कैरेट एंड शुगर कैन, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को जो है मैं ग्रो करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि जो है मैंने देखा है कि ये तीनों चीज़ जो है काफ़ी फ़ायदा देती है, खास करके मेलन्स, ठीक है। मेलन्स काफ़ी ज़्यादा फायदा देती है, क्योंकि कुछ ग्लिच चल रहा है सर्वर में, जिससे मेलन्स जो है इमीडिएटली हार्वेस्ट होने के बाद वापस से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो या वी कैन डू डैट। तो एक टाइम लैप्स करते हैं, जिसके अंदर हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे एंड उसके ऊपर जो है क्रॉप्स को उगाएंगे, ठीक है।
फॉरवर्ड गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे फार्म तो बेसिकली बना लिया, एक शुगर केन फार्म बनाया एंड एक मेलन फार्म बनाया। बेसिकली मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, लाइक वो कैरेट वाला नहीं बनाया अभी, कैरेट वाला बाद में बनाएंगे। देख सकते हो तो मैंने शुगर केन वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। यप गाइस, शुगर केन अच्छा है, लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड मेलन्स के लिए भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे चार मतलब हाँ चार ब्लॉक्स बना रखे हैं मेलन्स के लिए, और अगर मेरे को लगता है कि और पड़ेंगे ज़रूरत तो मैं और बनाऊंगा। एंड अभी जो है यहाँ पे देख सकते हो, मैंने थोड़े बहुत ही शुगर केन प्लांट किए, क्योंकि पहले जो है इनको मुझे ख़रीदना पड़ेगा, तो मैं वो नहीं करने वाला। मैंने यहाँ पे 64 ख़रीदा, 64 को थोड़े से बोन मिल किया, एंड बोन मिल करके देख सकते हो मैंने इतने बड़े कर दिए हैं। एंड अभी मैं अगर थोड़ा सा और एफ के करूँगा तो या काफ़ी सारे जो हैं इमीडिएटली जो है मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मेलन्स लगाएंगे एंड कैक्टस सॉरी कैरेट्स को जो है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। लाइक फार्म को इस साइड के बड़ा करते रहेंगे या फार्म को एट साइड के लिए बड़ा करते रहेंगे, ठीक है। तो फार्म तो बेसिकली आप जब भी चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, जब भी आपको चाहिए रहकर आपको रहता है कि नहीं यार हमको फार्म और बड़ा करना चाहिए, हमको और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है। मुझे ये फार्म बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया, लाइक बीच में मैं सो भी गया था। एंड ये मुझे समझ में आया कि मॉब स्पॉन क्यों शुरू हो गए भाई, ये बंद हो गए थे गाइस, ये नहीं होते स्पॉन, बट ठीक है स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं वापस से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटैक नहीं करते हैं यहाँ पे, नहीं तो अभी तक तो मेरा फार्म कब का टूट गया होता अगर ये हम पे अटैक कर रहे होते। यू कैन सी अटैक नहीं करते तो इससे आपका ही फायदा है, आप गन पाउडर वगैरह बेच भी सकते हो। ओके ठीक है, तो मुझे तो भाई काफ़ी अच्छा लगा ये फार्म। यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्केलेटन फार्म के एकदम बाजू में है ये, तो यो भाई यहाँ पे स्पाइडर भी आ गया, वाह। एंड मैं जो है अपने ये स्केलेटन के लिए दो स्पोनर और ख़रीदने वाला हूँ, एंड आयन फार्म मतलब आयन गोलम स्पोनर के लिए जो है मैं इधर की तरफ बनाने वाला हूँ। सेम में हम आयन गोलम को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आयन गोलम के लिए जो है मुझे वो लगाने पड़ेंगे, लावा लगाना पड़ेगा ना, तो या आयन गोलम का कोई इधर बना लेंगे, ठीक है, तो वो भी सही है, चल जाता है इतना, ठीक है। एंड अगर आप और कुछ प्लांट करना चाहते हो तो लाइक आप पम्पकिन भी कर सकते हो, ठीक है। वीट मत करना यार, प्लीज़ वीट मत करना, वीट सच्ची में काफ़ी सस्ता बिकता है, तो मुझे लगता नहीं है कि वीट से आप बिल्कुल भी कमा पाओगे, तो वीट बिल्कुल मत करना, ठीक है। शुगर केन कर लो, मेलन्स कर लो, मेलन्स का तो गुलिच चल रहा है जैसे आपको पता ही होगा, तो आप मेलन्स इजीली कर सकते हो, या आप कैरेट कर सकते हो, कैरेट भी काफ़ी अच्छा, या आप कैक्टस कर सकते हो, वैसे कैक्टस भी काफ़ी अच्छा बिकेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्राइस कैक्टस का है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो आप कैक्टस भी कर सकते हो, वो मुझे थोड़ा सा जो है अच्छा लगा, ठीक है। ओके तो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई, क्योंकि मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी छोटी थी, क्योंकि जब भी मैं ये टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा था ना गाइस, सुबह से रात हो गई है, बीच में मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चला गया था, क्योंकि थक गया था भाई, काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया थे कर करके, ठीक है। तो उस चक्कर में जो है मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, अभी फिलहाल कितने बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं, तो मैं प्लीज़ अभी कुछ नहीं कर सकता। ओके तो इसीलिए मुझे अभी मैं पीपी करने के लिए जाने वाला था या माइनिंग करने के लिए जाने वाला था, पर जब मैंने देखा कि भाई काफ़ी रात हो चुकी है, तो मैंने सोचा चलो यार अभी के लिए जो है फिलहाल रहने देते हैं, अगली वीडियो में इसको कवर जरूर करेंगे। अगली वीडियो में हम पीपी करने भी जाएंगे, थोड़े से हेड कलेक्ट करेंगे, मैं हेड कलेक्ट करता हूं, बट मैं हेड जो उनको वापस दे देता हूं, ठीक है। अगर हम टैप करते ना कहीं पे तो वो हेड वापस हो जाता है, ठीक है, बट मैं अगले एपिसोड से जो हेड को कलेक्ट करना भी शुरू कर दूंगा, जिससे जो है हम एक ऐसा ट्रॉफी टाइप खुद के लिए बना पाएंगे कि हमने कितने बंदों को लिटा रखा है, ठीक है। बस फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूं किसी और दिन किसी और फॉर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, डूड।